हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं। जैसा कि टॉपिक था हम लोगों का कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में, इसके पहले के वीडियोज और क्लासेस में हम लोगों ने जाना था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में जो बेसिस आप लोगों को बताए गए हैं और उन सभी का हमने क्लास लगभग कर ही लिया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ग्लोबल कंसर्न। इसके बाद आप लोगों के बीच में आज जो लास्ट इंडिकेशन ऑफ सिलेबस में जैसे दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय कॉन्सेप्ट, ये कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में किस तरह से अपनी भूमिका को वो दर्शाता है, तो आज इस ये बेस्ड है इसी पर। क्यों कैरिकुलम में पर्यावरण का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि सारे और अधिकतर कैरिकुलम में कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो मार्गदर्शन है वो बच्चों को दिया ही जाता है। क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्यों जरूरी है कि कैरिकुलम में इसे आवश्यक रूपों में हमने बना के रखा है, इसको लागू किया है कि पर्यावरण किसी न किसी और सभी में होना ही चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है कि इन्वायरमेंटल मीन्स कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इसका अर्थ हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि भूमि, समुद्र, वायु, पौधों और जानवरों की प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण से है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आज हम लोग देख रहे हैं अभी लेटेस्ट आप लोग के बीच जो घटना घट रही है, हम लोगों के बीच कोरोना वायरस है, क्योंकि ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसे घटनाक्रम को विकसित करती है जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई रहती है और हम प्राकृतिक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, जिस कारण हमें इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हम अगर किसी एक दूसरे प्राकृतिक संरक्षण ना करें तो हमारा जो प्राकृतिक एक सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जाएगा। तो हम क्यों ना बच्चों के ही कैरिकुलम से, प्राइमरी लेवल के कैरिकुलम से ही हम ये देख पाते हैं कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में हम लोग जागरूकता करने के लिए पर्यावरण का कॉन्सेप्ट रखते हैं। हम ये बताते हैं, हम एक ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोग अभी देखते हैं लेटेस्ट कि अगर बच्चा स्कूल में आ जाए और स्कूल में हम लोग हाथ धुला के उनको इंटर करते हैं तो भी ये एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट है। ये भी कॉन्सेप्ट कैरिकुलम के अकॉर्डिंग ही विकसित हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं। हम बच्चों को पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में सिखाते हैं, जैव विविधता के बारे में सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे सीक्वेंस हैं कि हम लोग एनवायरमेंटल को अत्यावश्यक समझते हैं कि वे भी कैरिकुलम में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति को विकसित करें। और ये जरूरी भी है क्योंकि प्राकृतिक संरक्षण से ही हम जैव विविधता को बनाए रख सकते हैं और इस ब्रह्मांड में अगर जैव विविधता को बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल का ज्ञान एक बच्चे में शुरू से ही बहुत जरूरी साबित होता है। और ये अगर ना हो तो हमारा जो प्राकृतिक सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं एक अल्प विकसित माध्यम से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और हम भी कहीं ना कहीं प्राकृतिकता के रूप में गायब हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हर एक के लिए एनवायरमेंटल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम प्राकृतिक रूप से जितने भी संरक्षण की बात आती है उसका कॉन्सेप्ट हम तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये जस्ट नॉलेज के लिए है। आज हम लोग देखते हैं कि जो हमने 5 मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट जो 5 या 5 फैक्टर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ओजन डिप्लेक्शन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग,
ओजोन रिक्तिकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ये काफ़ी इफेक्टिव इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा हमने यहाँ लिख के रखा है डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, डेफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नुकसान, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे का निपटान। ये जो है ये पांच मेजर आप लोग फैक्टर्स देख रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं इन्वायरमेंटल के। तो इन सब बातों की जानकारी हम कहीं ना कहीं बच्चों के कैरिकुलम को विकसित करके ही दे सकते हैं। तो ये जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है कि आज दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हम लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। तो ये ना हो तो हमें इसके लिए एक ऐसे कैरिकुलम का निर्माण करना चाहिए कि उसमें इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट हो और सभी इस बारे में अपना जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं दे पाए। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण के कॉन्सेप्ट को समझ ही लिए होंगे और क्यों कैरिकुलम फॉर्मूलेशन में क्यों पर्यावरण का कॉन्सेप्ट जरूरी है, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, इस बारे में भी आप लोग अवेयर हो ही गए होंगे। तो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जितने भी आप लोग के जो बेसिस हैं, की पॉइंट्स जो निर्धारित किए गए थे, वो इस वीडियो के माध्यम से आज ख़त्म होता है। आगे और भी इसके कॉन्सेप्ट है, और भी इसके की पॉइंट्स है, उसको हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।